Hello, इस पर्टिकुलर वीडियो में लास्ट थर्टी डेज का प्लान डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा सीडीएस के जीएस स्ट्रेटजी के ऊपर बेस होने वाला है और इसमें हम कम्प्लीटली डिराइव करेंगे कि हमें लास्ट थर्टी डेज में जी में कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना चाहिए कौन सा टॉपिक हमें कब पढ़ना चाहिए और दिस विल बी फ्री फॉर एवरी वन Schedule will be free for everyone. So, without wasting any time, let's get started. But before anything, you must be wondering. You must be wondering, who am I? So, let me give you a brief introduction about me. My name is Koshish and I have cleared the FCAT examinations five times, CDS examination seven times, and CAPF assistant commandant examination three times. These are all the written parts. Okay. You can see me in front of Dholpur House, UPSC Bhavan, or I recently got recommended from 17 SSB. बैंगलोर फॉर सी डी एस सी डी एस एंट्री ये कौन सा अकेडमी चेन्नई मेरी इस एग्जामिनेशन में क्या रैंक थी सो आई गॉट ऑल इंडिया रैंक नेम एट द रैंक ऑफ सिक्सटीन माइन को इस इतनी अच्छी रैंक आने के लिए क्या मेरी जीएस जीएसट्रैटेजी थी क्या मेरी सीडीएस की स्ट्रैटेजी थी उसी चीज को हम आज यहाँ पे सबसे ज्यादा रिलेट कर पाओ ठीक है क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो जो मेरा फर्स्ट पहली बार जो मैंने सी दिया था वो था मेरा सीडीएस वन सी डी एस टू ट्वेंटी ट्वेंटी और यहाँ पे आप देख रहे हो क्वालिफाइड फॉर द रिटर्न पार्ट इट सेल्फ तो छोड़ो मेरा रिटर्न ही नहीं निकला निकलाके okay? और इसी के बाद जो मेरा नेक्स्ट सीडीएस आई सी डी एस वन टी टी वन मैंने क्लियर कर लिया और अ गुड मार्क्स वन हंड्रेड ट्वेल्व मार्क्स से मैंने क्लियर कर लिया तो ऐसे में मेरे को क्या स्ट्रैटेजी पता चली मैंने क्या चीजें इम्प्रूव करी लास्ट थर्टी डेज में मैंने क्या चीजें पढ़ना शुरू किया जिससे मेरा जो स्कोर है वो इम्प्रूव हो गया उसको हम पूरे अच्छे से स्टडी करेंगे ओके okay? अब इसके बाद हमारे इन टोटल अभी तक सी डी एस

IMA वालों की कट ऑफ निकल जाती है मैंने जो ओटीए में निकाली है इतने में आई एम की कट ऑफ निकल जाती है ठीक है बट बट अगेन आई आई वाज नॉट रिकमेंडेड रिकमेंडेड इन द एग्जामिनेशन गॉट और मेरा इंग्लिश में दोबारा स्कोर जो है वो इम्प्रूव हुआ ओके okay, तो हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे एक्शन में आपको स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या चीजें करनी चाहिए सो वट वॉज माई लास्ट थर्टी डेज जीएसट्रेटेजी ओके इसके बारे में डिस्कस करते हैं और इसको इस पूरे वीडियो को मैंने अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है पहले हमारा एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होता है बुक लिस्ट कौन सी इंपॉर्टेंट रहती है और कौन से सब्जेक्ट पे हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए हमें एग्जामिनेशन को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए क्या एक गुड नंबर ऑफ अटैम्प्ट होते हैं हमें कितना हार्डवर्क चाहिए इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए और मैं कैसे इसको रिपीटेडली क्लियर करता गया सेवन सीरियस मैं रिपीटेडली क्लियर करता गया थोड़ा सा ट्रेंड एनालिसिस देखते हैं ये जो लाइट ग्रे कलर का है ये है हमारा एवरेज ट्रेंड और जो डार्क ग्रे कलर का है ये है हमारा सीरियस डी ट्वेंटी ट्वेंटी फोर का आपको ये चीज तो इनमें से समझ में आ रही है कि ये जो हमारा साइंस सेक्शन होता है इसमें हमारे मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं अप्रॉक्सिमेटली थर्टी क्वेश्चन आते हैं हमारे साइंस सेक्शन से और उसके बाद सबसे वेटेज वाला हमारा कौन सा रहता है वो रहता है हमारा करंट अफेयर्स तो ये वाले जो है इनको बहुत ही अच्छे से पढ़ने की जरूरत रहती है एंड देन हमारा पॉलिटी पॉलिटी ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री दूसरे सब्जेक्ट्स आते हैं CDS थोड़ा एब्सर्ड एग्जामिनेशन था इसमें हमारे फिजिक्स में बहुत ही कम क्वेश्चन आए थे बट हमारा ऐसा है कि यूपीएससी एवरेज ट्रेंड पे शायद से ज्यादा फोकस करेगा और अगर नया ट्रेंड आ जाता है तो आपको उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा क्योंकि उसमें हम कुछ नहीं कर सकते वो यूपीएससी क्वेश्चन पेपर जो है वो सेट कर रहा है ओके okay, चलो अब हम देखते हैं क्या एक बुक लिस्ट होनी चाहिए किसी भी डिफेंस एस्पिरेंट की देखो पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत होनी चाहिए और इसमें भी ये नहीं कि आप सारे टॉपिक्स पढ़ लो सिर्फ रिलेवेंट टॉपिक्स हमें सिविल सर्विसेज के लिए नहीं पढ़ना है हमें खाली सीडीएस एग्जामिनेशन के लिए पढ़ना है तो जो रिलेवेंट हैं वही पढ़ना है क्या रिलेवेंट होते हैं नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं ज्योग्राफी के लिए हमारे कौन से बुक्स इंपॉर्टेंट है एंड की मोर देन इनफ इससे ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है आराम से आपका निकलेगा नेक्स्ट है हमारा साइंस सेक्शन नाइन्थ और टेंथ की जो एनसीआर है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग उसके बाद आता है हमारा

अब हम बात करते हैं कौन सा हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है ये देख लो पॉलिटी पॉलिटी में हमारे शेड्यूल्स एंड पार्ट्स प्रीएम्बल फंडामेंटल राइट डीपीएसपी फंडामेंटल ड्यूटीज प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट्स पार्लियामेंट इमरजेंसी स्टैचुटरी बॉडीज एंड नॉन स्टैचुटरी बॉडीज जियोग्रफी में आता है हमारा सोलार सिस्टम लैंडफॉर्म्स एंड द रेवल्यूशन ओशनोग्राफी वर्ल्ड मैपिंग एटमोसफियर इंडियन माउंटेन रेंजेस एंड आईलैंड हमारा हिमालयन रिवर एंड रिवर सिस्टम सॉइल एंड फॉरेस्ट इकोनॉमिक्स में हमारा जे डी पी मार्केट स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट फार्मूलाज और इकोनॉमिक कॉज डिमांड एंड सप्लाई के कॉन्सेप्ट हमारा फाइव ईयर प्लान साइंस में अगर हम बायोलॉजी में देखें तो हमारा सेल एंड किंगडम सिस्टम जो होता है मोनरा प्रोटेस्ट फंगी प्लांट एनिमल प्लांट टीश्यूज हार्मोन्स एंड फोटोसेंथेसिस एनिमल टिश्यूज एंड डिफरेंट सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स विटामिन एंड डिजीजेस लॉज ऑफ मोशन हमारे फिजिक्स का पार्ट आ गया वर्क एनर्जी एंड पावर एंड साउंड

अब करंट अफेयर्स में डिफेंस रिलेटेड जो हमारे ऑपरेशन रहते हैं या प्रोक्योरमेंट्स रहते हैं या एक्सरसाइजेस रहते हैं उनके बारे में अवार्ड्स एंड ऑनर्स रैंकिंग जो रहती है हमारे वेरियस इंडक्सेज में रिसेंट गवर्नमेंट की स्कीम्स या रिसेंट बुक्स जैसे हमारे कोई मिनिस्टर्स बुक लिखते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स जैसे हमारे वेटलैंड डे हमारा इन्वायरमेंट डे उनकी क्या थीम रहती है और इन्वायरमेंटल रिलेटेड न्यूज इस पूरी स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लो और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो हमें लास्ट थर्टी मंथ्स में तो करने ही करने चाहिए ठीक है अगर किसी के पास ज्यादा टाइम है तो इससे और एक्स्ट्रा जा सकता है लेकिन लास्ट के थर्टी थर्टी डेज में उसको ये करने ही करने चाहिए ठीक है अब ये थर्टी डेज में हम कैसे कर सकते हैं इसका एक पूरा डिटेल चार्ट एंड प्लान हमने बना रखा है जो आज से शुरू हो रहा है हमारा जो हमारा आज से शुरू हो रहा है फर्स्ट ऑफ अगस्त अगस्त से शुरू हो रहा है जो हमारा रिकॉर्डेड बैच रहेगा ठीक है ये जो प्लान है वो सबके लिए फ्रीली अवेलेबल है आप इसको डिफेंस मीनिया के ऐप पे जाके इसको आराम से डाउनलोड कर सकते हो और आप अपने जो लेक्चर्स हैं अपनी जो स्टडी है उसको एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ सकते हो रिवाइज कर सकते हो ओके लेकिन जो जिन बच्चों को अभी भी दिक्कत आ रही है जो सोच रहे हैं स्ट्रक्चर्ड वे में कैसे पढ़ें या जिन्होंने चीजें याद पढ़ ली हैं लेकिन याद नहीं हो रही सारी चीजें नहीं पढ़ पाए उनके लिए हमारा आ रहा है एक रिकॉर्डेड बैच ठीक है रिकॉर्डेड बैच आ रहा है उनके लिए उसमें उसमें हमारा क्या होगा उसमें हमारी अप्रोक्सीमेटली थ्री हम रोज के रोज, रोज के रोज या फोर वीडियोस मिलेंगी जो आपको अच्छे से करना है और बिलीव मी अगर आपने डेडिकेटेडली उसको कर लिया यू ये पूरा शेड्यूल आपको फ्रीली अवेलेबल होगा सब सभ, सभी के लिए लेकिन अगर किसी को हमारा रिकॉर्डेड बैच लेना है तो वो कोर्स में अप्लाई कर सकता है ऐसे ही हमारा बायोलॉजी फिजिक्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए भी होगा ओके okay? ये है हमारा हमारा अब इसमें मॉक टेस्ट रहेंगे रहेंगे डाउट ग्रुप्स क्लास के नोट्स रहेंगे हमारे टीचर्स रहेंगे मैं आपको काफी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाऊंगा यहाँ पे शिवानी मैम जो है वो आपको दूसरे काफी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे और एक चीज पता है बहुत अच्छी क्या रहती है हमारे रिकॉर्डेड बैचेस की एक तो ये आप अपने पेज पे पढ़ सकते हो ठीक है अपने पेस पे पढ़ सकते हो किसी को अगर स्लो करना है तो वो स्लो कर लो किसी को टू एक्स में देखना पसंद है तो वो देख लो अपने पेस पे कर सकते हो और इनकी जो वैलिडिटी रहेगी वैलिडिटी रहेगी यानी आप कितनी बार इसको वॉच कर सकते हो वैसे तो एक मंथ की रहेगी हमारी लेकिन आप इसको कितनी बार एन नंबर ऑफ टाइम्स इसको देख सकते हो ऐसा नहीं है कि आपको एक ही बार देखना है दो बार देखना है जितनी मर्जी करो आप उतनी बार देख सकते हो और आपको इनके अच्छे से नोट्स मिलेंगे ओके चलो अब बात करते हैं हमारे इंग्लिश स्ट्रैटेजी मेरी इंग्लिश की स्ट्रेटेजी क्या थी लास्ट थर्टी डेज की तो इंग्लिश में सबसे इंपॉर्टेंट रहता है हमारा ग्रामर ग्रामर क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से कर लिया यानी ग्रामर के रूल्स अगर अच्छे से कर लिए तो आधी चीजें आपकी हो गई उसके बाद आता है हमारा वोकैब वाला सेशन ठीक है अगर आपने वोकैबलरी अच्छे से करी है तो आपके सिनेटेनिम्स ये सारी चीजें बन जाएंगी अब इसके थर्ड में क्या पार्ट आता है अंडरस्टैंडिंग कि आपने जितना भी रूल्स और वो कैप सीखी उसको आप कैसे अंडरस्टैंड करके बाकी चीजों में अप्लाई कर पा रहे हो कहते हैं ना कभी भी हम कुछ पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि यार ये जो है साउंड सही नहीं कर रहा तो ये ऑप्शन गलत होना चाहिए ठीक है तो ये हमारा काम आता है पैसेजेस में पैराजिम्बल्स में ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेज में या कोरिलेटिंग सेंटेंसेज में काम आती है हमारी अंडरस्टैंडिंग ओके okay? अब प्रायोरिटीज क्या रहनी चाहिए इंग्लिश सबसे मेन प्रायोरिटी रहनी चाहिए अगर आप इंग्लिश में स्कोर नहीं कर पा रहे हो तो आपका आ, हमारा सीडीएस एग्जामिनेशन नहीं निकल सकता इंग्लिश तो मेन प्रायोरिटी रहनी चाहिए उसके बाद हमारे साइंस प्रायोरिटी रहनी चाहिए जीएस में क्योंकि अप्रोक्सीमेटली थर्टी क्वेश्चन आते हैं देन हमारे करंट अफेयर्स रहने चाहिए क्योंकि हमारा जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है यानी लास्ट सिक्स मंथ्स के करंट अफेयर्स पढ़ के आप अप्रोक्सीमेटली फिफ्टीन क्वेश्चन कर सकते हो और ये बहुत ही अच्छे रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है अब उसके बाद आप जोग्राफी पढ़ लो या पॉलिटी पढ़ लो दोनों एक ही बात है ठीक है ज्योग्राफी एंड पॉलिटी में जो है हमारे क्योंकि हमारा जहां से भी हमारे, आते वो हमारे हैं हमारी। जैसे जोग्राफी की इलेवें की लक्ष्मीकांत और उसके बाद जो हमारे दूसरे सब्जेक्ट्स आते हैं जैसे इकोनॉमिक्स हिस्ट्री इनके ना बहुत ज्यादा वास्ट सब्जेक्ट रहते हैं बहुत ही ज्यादा वास्ट सब्जेक्ट रहते हैं और इनका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इतना अच्छा नहीं होता तो इसीलिए अगर किसी को भी क्लियर करना है तो इंग्लिश को मेन प्रायोरिटी रखो देन गो विद द साइंस देन गो विद द करंट अफेयर्स और उसके बाद ज्योग्राफी और पॉलिटी में जा सकते हो अब काफी सारे बच्चों को पता नहीं होता कि एग्जामिनेशन अटेम्प्ट कैसे किया जाता है तो सबसे पहले इजी क्वेश्चन देखो उनको अटेम्प्ट करो स्ट्रैटेजी नंबर वन दूसरा क्या है कि आपको पता है कि यूपीएससी आजकल क्या कर रही है कि चार ऑप्शन है ए बी सी डी दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जा रहे हैं दो ऑप्शन नहीं हो रहे तो यहाँ पे हमारा आता है फिफ्टी फिफ्टी वाला रूल अगर कहीं पे भी आप फिफ्टी फिफ्टी वाले क्वेश्चन में फंस रहे हो तो उसको अटेम्प्ट करना चाहिए ठीक है इतना रिस्क लेना ही चाहिए ओके ये चीज हो गई अब इसके बाद आता है हमारे कि हर थर्टी क्वेश्चन के बाद क्या करो आप ओ एम आर शीट फिल करो ओ एमआर शीट फिल करो ताकि आपके लास्ट में ऐसा ना हो कि आपने वन ट्वेंटी क्वेश्चन कर लिए फिर आप कह रहे हो कि ओ एम आर शीट भरूंगा तब तक टाइम निकल गया तो इसीलिए हर थर्टी क्वेश्चन के बाद आपको ओ एम आर शीट फिल करनी चाहिए अब एक गुड नंबर ऑफ अटेम्प्ट क्या होते हैं अब इसका ना कोई भी एक सेट आंसर नहीं है कि गुड नंबर ऑफ अटेम्प क्या होता है

अब इस आठ हजार में से एक आप नहीं हो सकते क्या एक आप नहीं हो सकते मतलब बहुत ही इजी है आपने मतलब आपने डेडिकेटेड मतलब अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर ली और डेडिकेटेडली आपने जीएस सब्जेक्ट्स को टाइम दे दिया ना एक महीने लास्ट के थर्टी डेज में बहुत ही ईजिली क्लियर होगा भाई बहुत ईजिली क्लियर होगा टू बी वेरी ऑनेस्ट ठीक है बहुत ईजिली क्लियर होगा तो अपना लास्ट का एक मंथ जो है उसको फोकस्ड होके पढ़ाई करो उसकी डेडिकेटेड प्रिपरेशन करो और बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा जो अभी एफ कैट वाले होंगे तो हो, तो सारी चीजें चल रही है आपको जिसको रिविजन करने है उसके लिए भी अच्छा है जिसको पहली बार देख रहा है उसको भी चीजें समझ में आएंगी और जिसका बार बार के भी नहीं निकल रहा एग्जामिनेशन उसके लिए भी बहुत अच्छा कोर्स है ओके अब स्कोर को कैसे इंप्रूव किया जाता है विद द कांस्टेंट वैल्यू एडिशन आप जितनी बार चीजें पढ़ रहे हो और आप नई नई चीजें उसमें ऐड कर रहे हो तो आपका धीरे धीरे करके क्या स्कोर इंप्रूव होता है और रिटर्न पार्ट को ना रिटर्न पार्ट को ऑब्सेशन बना लो रिटर्न पार्ट को ऑब्सेशन बना लो रिटर्न पार्ट जो है बहुत ही ईजी रहता है क्लियर करने में एस एस बी इज अ वेरी टोटली डिफरेंट थिंग लेकिन रिटर्न पार्ट जो है वो बहुत ही ईजी रहता है हमारा क्लियर करने, करने में करने में मेक इट इन ऑब्सेशन ऑब्सेशन बना दो इसको कि तुम्हें क्लियर करना है तो करना ही है भले दिन रात एक करनी पड़े मेरा तो एक ही मंत्र है भाई मेरा एक ही मंत्र है जान लगा दो या जाने दो ठीक है जान लगा दो या फिर जाने दो अगर तुम्हें करना ही है तो थाउजेंड परसेंट डाल दो थाउजेंड परसेंट अगर आपको नहीं करना तो एक परसेंट भी मत डालो उसमें एक परसेंट भी, भी मत डालो अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो लेकिन अगर आपको यूनिफॉर्म की रिस्पेक्ट है और यह है कि यूनिफॉर्म चाहिए तो थाउजेंड लगा दो भाई कोई दिक्कत नहीं है

तो सेम टू सेम आपको उतनी ही हाई लेवल का आपको कंटेंट मिलेगा और मैक्सिमम चीजें हम पिक्चर से क्लियर करने की कोशिश करेंगे और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आप अपनी स्पेस से चीजों को पढ़ सकते हो ठीक है यहां पे आप देख रहे हो बहुत ही बेहतरीन स्लाइड्स हैं इतना अच्छा कंटेंट आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा और आप सोच रहे अगर इतना अच्छा कंटेंट है तो फीस क्या रहेगी प्राइस क्या रहेगा देखो साहिल सर का एक ही मोटो है डिफेंस मेनिया को पॉकेट फ्रेंडली बनाना और मोस्ट बनाना, तो बहुत ही नॉमिनल फीस है अगर आप थर्टी थर्टी डेज में देखो तो कितना आ रहा है आपका अप्रोक्सिमेटली पर डे ट्वेंटी रुपीज से भी कम आ रहा है क्या आप अपने क्या आप अपने ड्रीम्स के लिए पर डे ट्वेंटी रुपीज से कम खर्च कर सकते हो कि नहीं कर सकते देखो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है और ये इतना कम खोना है और इसमें बहुत ज्यादा पाना है ठीक है तो ये चीज है आराम से निकलेगा आपका ओके ये बैच एनरोल करोगे तो आराम से निकलेगा और ये बैच के लिए इंपॉर्टेंट है जो अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं जिन या फिर जिन्होंने कुछ चीजें पढ़ ली हैं एफकेट वाले बच्चों को अगर डाउट हो रहा है एनजाइटी हो रही है कि हमारा कैसे निकलेगा कोई स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं पढ़ाई की है तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है और जिनका निकल रहा है जिनको लग सकता है कि उनका निकलेगा और बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन जा रही है तो ज्वाइन मत करो ठीक है अगर उनको लगता है कि उनका बिना इसके निकल सकता है तो डोंट दिस कोर्स और जिनको लग रहा है कि नहीं हेल्पफुल हो सकता है हमारे या हमारा लास्ट अटेम्प्ट है या हमारे स्टार्टिंग का अटेम्प्ट है तो दिस इज वेरी नॉमिनल फीस ओके और सौ स्ट्रेटेजी वीडियोस के पीछे मत भागो एक वीडियो पे स्टिक करो और उसी को फॉलो करो ओके okay? अगर आप ये बैच एनरोल करते हो तो हम नेक्स्ट जो है हम बैच में मिलेंगे अगर नहीं करते तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर सी बी एस सी एग्जामिनेशन एंड एफकेट एग्जामिनेशन टिल देन जय हिंद जय भारत